अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100 एंड आई एम योर प्रेजेंटर मानूर कुरैशी। और FM 100 रहबर में आप तमाम लोगों को एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सैलाब जदगान की आवाज बना है FM 100 रहबर। हमारे रहबर जो हैं वो फील्ड वर्कर्स हैं, हमें फील्ड से अपडेट करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल बताते हैं हमें कि क्या सिचुएशन है, मार्केट ऑपरेशनल है या नहीं, रिलीफ एक्टिविटीज कैसी चल रही है, हम यहाँ पे बैठ के सेफ एंड साउंड बैठ के क्या कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए। सैलाब से मुतासर इलाके हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट जगहों से रिलीफ वर्कर्स होते हैं, फील्ड में होते हैं, हमें बताते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी रहबर मिस फजर राबिया पाशा ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन पेज की। उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फजर। अस्सलाम वालेकुम अनूर। वालेकुम सलाम मिस फजर, मुझे ये बताइएगा कि पेज पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन किन किन इलाकों में काम कर रहा है? पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स वैसे तो एजुकेशन के लिए तो हम लोग पूरे पाकिस्तान में काम की, जो अभी फ्लड की सिचुएशन हो गई है उसमें हम लोग जो इंटीरियर सिंध है, स्पेशली कमर शहदाद कोट का एरिया है, मीरपुर खास का एरिया है, फिर बलूचिस्तान में लाजबेला है, जलमक्सी है, नसीराबाद है, ये एरियाज वो हैं जहाँ पे इस वक्त हमारा बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि बहुत कम सपोर्ट वहाँ तक पहुँचती थी, लोग बहुत बुरे हालात में है, वहाँ पे पानी अभी तक खड़ा है, स्पेशली इंटीरियर सिंध में पानी बहुत खड़ा है अभी भी, और यू नो तबाही बहुत ज्यादा हुई है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एरियाज जो है जहाँ पे हम लोगों का ज्यादा इस वक्त फोकस है। सही। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से, तो इन इन जगहों पे क्या काम किया जा रहा है? राशन प्रोवाइड किया जा रहा है या रिहाइश के ऊपर फोकस किया जा रहा है, या यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए किस उस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो जैसे अगर आप वैसे नीड को देखें तो नीड में तो ऑब्वियसली डाइट सबसे पहले आ जाती है जी। फिर अब जो आपकी इमीडिएट जो आपको रिस्पॉन्स जो जहाँ पे इन जगहों पे जरूरत है, खाने के साथ साथ राशन के साथ साथ अब मेडिकल की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी अब काफी हफ्तों से खड़ा है और वहां पर वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल गई है, मच्छर बहुत ज्यादा इतना एक्सटेंट हो गया है, तो मलेरिया, डायरिया, डेंगी, ये आपकी जो है ना डिजीजेस और स्किन डिजीजेस, और ऐसी ऐसी स्किन डिजीजेस आ रही हैं अब जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं फ्रेश जो बिल्कुल आ रही हैं ऑन ग्राउंड से इन एरिया से, वो मतलब बंदे का दिल परेशान हो जाता है उनको देख के कि वो इतनी अजीब किस्म की स्किन डिजीजेस हो रही हैं, और इनकी वजह से अब डेथ्स भी होने शुरू हो गई क्योंकि मेडिकल सपोर्ट कोई भी नहीं है ऑन ग्राउंड ना, बहुत कम एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई मेडिकल कैंप्स नहीं हुए, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल रनिंग नहीं है, और ये वैसे ही ऐसे एरियाज है जहाँ पे पहले भी एक्सेस टू हेल्थ वॉज नन राइट, तो इन हालात में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अर्जेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आपका राशन और मेडिकल तो आई वुड से व्हाट इज नीडेड टू सेव अ लाइफ राइट नाउ, और उसके बाद क्योंकि अब ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों के घर वैसे भी मेजोरिटी मिट्टी के घर बने होते हैं, यहाँ वो कोई इतने पक्के सॉलिड घर नहीं थे, तो सबके घर उनके सारी जरूरियात की अशिया, चादरें, कपड़े, बिस्तर सब चला गया हुआ है, सब बह गया है या खराब हो गया है, तो वो चीजें उनके पास कोई भी नहीं है, अभी भी टेंट्स हर जगह पे नहीं पहुंचे अभी भी, मतलब इट्स बीन सम टाइम नाउ, लेकिन बहुत सारे हमारे कंबर शहदाद कोट में एक गांव में आज टेंट जाके पहुंच रहे हैं, क्योंकि मोबिलाइजेशन भी बहुत जो है ना इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपको पता ये भी होता है कि जैसे ही कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो चीजें गायब भी हो जाती हैं, मार्केट से रेट बढ़ जाते हैं, तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ कि एज ए नेशन हमें ये नो इन चीजों के साथ भी डील करना पड़ता है, तो हमारी जो है स्ट्रैटेजी हैज बीन कि हम लोग लोकलाइज्ड ही जितनी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं हम उसी पे फोकस करें ताकि चीजों को पहुंचाना, क्योंकि इस तरह अभी आपको पता है रास्ते बहुत कटे हुए भी हैं, कहीं पे आप पहुंच सकते हैं, हर जगह का एक्सेस नहीं मौजूद, तो हम लोग के लिए हमने यही अपनी स्ट्रैटेजी रखी कि राशन के लिए और टेंट्स के लिए और मेडिकल के लिए उसको लोकलाइज ही रखें, मेडिकल कैंप्स हम लोग के इस वक्त ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो वो भी हमने लोकल वॉलंटियर डॉक्टर्स आइडेंटिफाई किए, विच हैज बीन एक्सटेंसिव वर्क बिकॉज नहीं लोग मिल रहे थे कि वहीं के लोग डॉक्टर्स हैं उनको हम दवाइयां पहुंचवा दें और वो मेडिकल कैंप्स वहां पे रन करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हो रही है, बच्चों में डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर फर्स्ट रिस्पांस की बात करें राइट आज की बात जैसे करें तो राशन एंड मेडिकल इज द फर्स्ट थिंग दैट्स नीडेड एंड देन द टेंट, ताकि लोगों के पास रहने के लिए कुछ जगह हो, मच्छरदानियों की अशद जरूरत है, इतना मच्छर है, इतना मच्छर है कि आप मतलब अगर आप वीडियोज देखें कि वहां पे क्या हालात है इन जगहों पे,
तो मैं भी किसी और से इस पे बात करी थी, मैंने कहा एक मच्छर होता है तो वो इंसान को तंग कर देता है. बिल्कुल. अगर आप इन जगहों पे इस वक्त देखें ना कि एक एक वो जहाँ पे है मच्छरदानियाँ अवेलेबल और जो लोग उनमें सो रहे हैं, अगर आप वो मच्छरदानियाँ देखें तो ऊपर से काली हुई होती हैं कि इतना मच्छर उसके ऊपर बैठा होता है. तो ये हालात है. तो मतलब चीजें, मतलब मेडिकल एंड राशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट राइट नाउ. ये मच्छरदानियों का बहुत जरूरत है क्योंकि पानी की निकासी का काम जारी है लेकिन ये बहुत स्लो है अभी, एंड इट विल टेक यू नो मे बी मेनी मोर वीक्स बिफोर ये पानी बिल्कुल खत्म होगा. तब जाके हम लोग जो है लर्निंग जो हमने, बेशक हमने अपने एरियाज में तो जहाँ पे हमारे स्कूल्स थे वहाँ पे हमने रीस्टार्ट करवा दी हुई है, वहाँ पे यहाँ तो वो टेंट्स के अंदर कर रहे हैं, या वो अगर खुली आसमान में भी बैठ के पढ़े तो बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया. दे वॉन्टेड टू कंटिन्यू दिस, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के राशन लोगों के पास हो खाने, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन का भी बहुत ज्यादा इशू हो गया है वहाँ पे. आपको पता है सबकी जो फसलें थी वो तबाह वैसी हो गई है, उनके पास एक्सेस टू फूड जो है ना बिल्कुल नील हो गया इस वक्त. तो ये चीजें अर्जेंट लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और स्पेशली उन कम्युनिटीज के पास जो बहुत ज्यादा दूर दराज है जहाँ पे एक्सेस और भी मुश्किल है. और राशन ऐसी चीज है कि आप एक दफा दे दें तो वो तो दो हफ्ते में खत्म हो जाएगा. माशाल्लाह फैमिली साइज भी बड़े होते हैं तो वो उसको कांस्टेंट आपको जो है ना, आप समझें कि हर महीने, अभी मैं समझती हूँ कि 2, 4, 5, 6 महीने कम अज कम आपको ये लगेंगे जब तक कि लोगों के पास, ताकि फूड सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, टेंट्स हो, पानी खत्म होगा तो लोग अपनी रीबिल्डिंग की तरफ वापस जाना शुरू करेंगे कि घर बनने शुरू हो. हमारा एग्रीकल्चर तो खैर वो बिल्कुल ही तबाह हो गया इन इलाकों में, तो उसमें तो आई थिंक इट रिक्वायर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी और लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन उन जमीनों में कि वो फिर से यू नो वो आपकी काश के लिए इसको रेडी किया जाए. तो आप समझे कि 6-8 महीने का तो आप समझे कि हम एक उसी फेज में रहेंगे इन इलाकों में जहाँ पे ये इतनी तबाही मची है, जो आप एक रिस्पॉन्स फेज में ही हमें रहना पड़ेगा उनकी कम्युनिटी की रीबिल्डिंग के साथ साथ. अगला फिर ऑब्वियसली प्लान इज नीड्स टू बी इन प्लेस के खुदा ना खास्ता अगर फिर अगले साल जो है 6 महीने 8 महीने इसमें लग जाए और फिर 4 महीने बाद फिर से बारिशें आ जाएंगी तो फिर क्या होगा. तो प्रिपरेशन एट द सेम टाइम यू नो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है. प्लानिंग प्रॉपर हो, फुल हो और कम्प्लीट हो कि इमीडिएट आपका प्लान, आपका लॉन्ग टर्म प्लान, दोनों चीजें इन प्लेस होनी चाहिए ताकि इन कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. इस वक्त मैं समझती हूँ लोग बहुत बुरे हालात में, गुर्बत इंतहा से ज्यादा बढ़ गई है. बिल्कुल. जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे चोरी और ये चीजें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि नेचुरली फ्रस्ट्रेशन लेवल जब हाई होते हैं और आपके पास बच्चों को अपने खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा तो आपको जहाँ से जो चीज मिलेगी आप ले लेंगे. बिल्कुल वाला हिसाब है. तो मतलब हालात बहुत खराब है, बहुत डिप्रेसिंग है टू बी ऑनेस्ट. और बहुत ज्यादा काम करने की मैं समझती हूँ जरूरत है. ये ऐसा काम नहीं है कि एक महीना कर लिया और बस सब ठीक हो गया वाला नहीं है हिसाब किताब. यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म इस पे विजन चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें ऑन ग्राउंड प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आपने ये बहुत खास बात की कि प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर 6-8 महीने बाद खुदा ना खास्ता दोबारा सैलाब आ जाए या बारिशें स्टार्ट हो तो हम इसको मैनेज किस तरह करेंगे. मैनेजमेंट नहीं है तभी हर दूसरे साल जो है हम ये चीजें फेस कर रहे होते हैं. अब अगर बात की जाए प्रॉब्लम्स की, या हम बात कर रहे हैं महंगाई की या फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि अब जहां के क्रॉप्स थे, जो क्रॉप्स बह गए हैं उसका असर पूरे पाकिस्तान में हुआ है, महंगाई तमाम लोगों के लिए बढ़ी है, तो ये ऐसा फ्रस्ट्रेटेड सा एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है, क्योस है इतना ज्यादा तमाम पाकिस्तानियों के लिए. अब ऐसे में हम पे जिम्मेदारी भी है कि हमने अपने बहन भाइयों की हेल्प करनी है, रीबिल्ड करना है. अब यहां पर बैठकर जिन इलाकों में आप काम कर रही हैं, आपने क्या देखा, मार्केट्स ऑपरेशनल है या वहां से ही अगर लोग जा रहे हैं तो वहां पे जाके खरीद के लोकल मार्केट्स में, ताकि वो भी मार्केट से ही फ्लोट करे और लोगों का जो है एक तरीका कार्बन जो रेवेन्यू जनरेट हो जाए वहीं से जाके खरीदें, या वहां पे मार्केट्स जो है ऑपरेशनल नहीं है, कनेक्टिविटी का इशू है, सप्लाई का इशू है, यहां से चीजें खरीद के भेजी जाए, या क्या किया जाए? देखिए अभी तक तो हमने जो भी किया है ना हमने लोकल मार्केट्स के थ्रू ही किया है, क्योंकि व्हाट वी फाउंड कि वो सबसे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी था और जैसे कि रोड का एक्सेस कम है तो उस हिसाब से जैसे जो भी नियरेस्ट छोटे शहर है हमने वहीं से अपनी चीजों के सामान की सप्लाईज हमने पिक की है, बजाय इसके कि हम बड़े शहरों पर फोकस करें सप्लाईज के लिए और फिर उनको वहां भिजवाएं, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होती है. हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे पास जो फंडिंग है वो 100% लोगों के पास जाए, बजाय इसके कि वो और चीजों में उसकी कॉस्ट लगे.
और वो आप वाली बात की, देखें लोकल मार्केट्स को भी बेनिफिट होगा इस चीज का कि अगर उधर से ही परचेजिंग हो रही है तो वो भी आपका एक इज अ वे ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल एरिया एज वेल एंड पीपल इन द लोकल एरिया. तो मैं तो वैसे ही आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर कि जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं आपका पहला फोकस उसी चीज पे होना चाहिए कि आप उन्हीं को मोबिलाइज करें, उन्हीं को यूटिलाइज करें. अगर वहां पे चीज नहीं है, जैसे मेडिसिन की बात है, तो मेडिसिन हम लोग हमने जो है ना वी एंडेड अप प्रोक्योरिंग फ्रॉम कराची और कंबल शहदाद को, हालांकि लाड़काना में पूरी होलसेल मार्केट मौजूद है मेडिसिन की, लेकिन वहां पे हमें कॉस्ट नहीं उस तरह मिल रही थी. हमें कराची में सबसे ज्यादा बेहतर चीज मिल गई तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ गया कि इवन वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी हमें वो सस्ती पड़ रही थी दवाई, तो हमने उसको फोकस किया. लेकिन राशन, हमारे टेंट्स, हमारी ये चीजें वही लोकल मार्केट से ही हमने परचेज की. उसकी हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2,000 रुपए लिटरली पड़ी, तो वो नहीं था, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज कॉस्ट. तो हम लोगों ने बड़े आराम से उसको मैनेज किया ताकि जो एक एक रुपया है वो डायरेक्ट ऑन ग्राउंड लोगों के लिए इस्तेमाल हो. तो दैट हैज बीन आवर फोकस, और लोकल मार्केट को ही मोबिलाइज किया जाए और यू नो जो इनकम जनरेशन उधर होती है वो उसको उधर ही किया जाए, बेहतर रहेगा. सो आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को? बस आखिर में यही पैगाम के दो के एकदम से जब फ्लड्स आए हैं तो लोगों में आई थिंक बहुत अवेयरनेस रेजिंग हुई, बहुत ज्यादा मीडिया पे थैंकफुली इस पे बात हुई तो लोगों को पता चला. लेकिन लोगों को बस ये जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ये चीज नहीं है कि ये दो हफ्ते में खत्म हो गया और हम लोग वी ऑल कम बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ. That is not the case. अगर हम अपने इन areas को constantly rebuilding में properly support नहीं करते तो इसका impact पूरे पाकिस्तान पे इसी तरह चलता रहेगा. तो ये वो ये बात वहीं पे आ जाती है कि planning जो government level पे बहुत जरूरी है कि आपकी full proper planning in place हो कि इन चीजों को वापस rebuild कैसे करना, और फिर next आपके protection measures क्या होने चाहिए अगले, तो वो चीज in place हो. और हम लोग as local common citizens of Pakistan है, हमारी responsibility ये है कि हम लोग ये mobilization अपने end पे जारी रखें. क्योंकि वहां पे लोग पास कपड़े नहीं है, खवातीन है तो खवातीन के पास खवातीन के लिए जो जरूरी चीजें वो नहीं है. तो ये आपको ऑन गोइंग हमें जो है ना आप समझें कि मोबिलाइजेशन जारी रखनी है. जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जब इंडिविजुअल्स फंड रेज करते हैं या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस फंड रेज करती हैं तो वो महीना कर लेंगी, दो महीने कर लेंगी, फिर ये चीज खत्म हो जाती है. बिकॉज पीपल देन स्टॉप डोनेटिंग एज वेल, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने कर दिया डोनेट. लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और इस पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट की और मोबिलाइजेशन की जरूरत है. तो लोगों में जितनी ज्यादा अवेयरनेस इस पे रहेगी और एंगेजमेंट इस पे रहेगी, लोगों को पता होना चाहिए कि इलाकों में क्या हो रहा है. जो कहीं जा सकता हो, विजिट कर सकता हो, जो फर्स्ट हैंड सपोर्ट खुद कर सकता हो वो करे, ताकि जो ये हमारे बहन भाई हैं बाकी जो इन इलाकों में, और अनफॉर्चुनेटली सारे ऐसे लोग थे मेजोरिटी जो बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए टू कम बैक टू अ नॉर्मल लाइफ. वो पहले ही बुरे हालात में थे और कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे थे इन द सेंस के फाइनेंशियली. तो वो बिल्कुल ही बंदा गिर नहीं जाता, बिल्कुल ही गिर गए हैं. तो उनको खड़ा करने में हमें उनको जो है ना वो मदद करने की जरूरत है. और सबका काम है कि जो जो कर सकता है अपनी कैपेसिटी में वो उसको करते रहे. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मिस फजर फॉर योर टाइम. आपने टाइम निकाला और एफ एम 100 रहबर की रिलीफ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी. थैंक यू सो मच मानू. थैंक यू जी. आज हमारे साथ हमारी रहबर मिस फजर राबिया पाशा मौजूद थी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन की, जिसको पेज कहा जाता है. सो बेसिकली हमने आपको अपडेट किया रिगार्डिंग द डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान. एफ एम 100 रहबर के थ्रू हम आपको पाकिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे. आपको बताएंगे कि उन इलाकों में किन किन चीजों की जरूरत है, रिलीफ एक्टिविटीज कैसी चल रही है, और खासतौर पर यह जो अब की हमने जो डिस्कशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की हमारे रहबर ने कि लोकल मार्केट्स को ऑपरेशनल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन एंड रिगार्डिंग द नीड ऑफ द टाइम्स. कीप लिसनिंग एफएम 100 एंड रिगार्डिंग द नीड ऑफ द टाइम्स. कीप लिसनिंग एफएम 100 एंड रिगार्डिंग द नीड